सो गाइस, आज सुबह जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला उठ के, तो मतलब दोस्तों क्या ही बोले, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भाई यहाँ पे स्नो पड़ रही है और मेरे पूरे गांव में घर के बाहर स्नो ही स्नो हो रखी है। और ऐसे में भाई मतलब ठंड तो पहुँच गई है लास्ट लेवल के ऊपर, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसे लगता है ना दोस्तों कि हम एक टाइप से कहीं स्वर्ग में आ गए हों, कुछ ऐसा फील होता है जब स्नो होती है। हालांकि मैं अभी की बात करूँ तो स्नो जो है वो काफ़ी लाइट गिर रही है, एंड शिवानी का तो भाई आपको पता ही है एक ड्रीम था स्नो देखना, एंड शिवानी जो अभी ऑल्सो व्लॉगिंग कर रही है। शिवानी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी जस्ट तुम्हारा हो गया व्लॉग? हो गया नहीं, अभी तो एक ही शूट लिया, एक ही शूट लिया है। तो गाइस यार, किसी किसी इंसान का मतलब मैंने तो बहुत बार देखी है स्नो होती हुई, लेकिन किसी का ड्रीम भी होता है, उसमें से एक शिवानी भी है। एंड मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सुबह की भाई मतलब ये जब से इसने स्नो देख लिया उछल उछल के कि हाँ भाई मतलब स्नो क्या ही बोले। बाकी मैं आपको अरे परे का दिखा देता हूँ, मतलब अभी जो व्यू है तुम यहाँ पे देखोगे, मतलब दोस्तों हर पार हर तरफ फिलहाल तो ऊपर की तरफ धुंध पड़ी हुई है, और मतलब पेड़ के ऊपर भी यहाँ पे स्नोफॉल जम चुकी है, और स्टिल स्नोफॉल जो है वो कंटिन्यू है और मेरे चेहरे के ऊपर भी पड़ रही है। हालांकि आप सामने वाले पहाड़ को देख पा रहे हो तो नीचे की तरफ अभी स्नो नहीं हुई है, क्योंकि मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि स्नो ऊपर से होती होती नीचे की तरफ आती है। और ब्रोनी एंड शिवानी भाई आपस में खेल रहे हैं, लुक दोबारा दिखा देता हूँ, और ब्रोनी का भी ये फर्स्ट स्नोफॉल है। ब्रोनी भी गाइस फर्स्ट टाइम जो है इसने स्नो देखी है भाई, तो स्नो में ये भी पूरा मस्त हो चुका है अभी। ओए काट मत कुत्ते, आजा बेटा लड़ते, आजा ब्रोनी आजा। ओए मत काट मत ना गज, मजाक में भाई, और मुझे नहीं लगता कि ये ब्लॉगिंग करने दे, ब्लॉगिंग नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा, नहीं अभी दांत जोर से लगा दे रहा है अभी। सो गाइज अभी जस्ट बड़ी मुश्किल से भाई इसको हैंडल किया है, और मतलब ना ले काट ले बहुत खुश है ये। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ आगे की बात करूँ, आप लोग भाई एक बार सिनेमेटिक व्यू देख लीजिए अरे परे का थोड़ा। अभी स्नोफॉल होने से भाई सबसे ज़्यादा जो खुश है वो पहले नंबर के ऊपर तो शिवानी खुश है, क्योंकि उसने स्नोफॉल कभी पड़ती हुई नहीं देखी थी। वैसे स्नोफॉल उसने बहुत टाइम देखी थी, तो लेकिन गिरते हुए नहीं, तो आज उसका ड्रीम भी पूरा हो गया। और दूसरा मिस्टर ब्रोनी जो कि भाई इतना एक्साइटेड है, मतलब ब्लॉग भी नहीं करने दे रहा, और ख़ासकर शिवानी को तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप बोलेंगे कि आप खुश नहीं हो भाई, मुझसे धुआं निकल रहा है, आप समझ सकते हो। एक्चुअली होता क्या गाइस कि हम लोग तो यार सर्वाइव करते हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर टाइम होती है स्नोफॉल जब भी सर्दी आती है, तो ऐसे में ना इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी का जाना ही सबसे बड़ा ख़तरा होता है, किसी के लिए भी नहीं खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं और जब लाइट होगी तभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल पाऊंगा। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई तू खुद के लिए जनरेटर तो लेके आया था, वो कहाँ है, उसको यूज़ कर ले। तो गाइस आपको अगर याद है तो कुछ दिन पहले ही घर में आग भी लग गई थी, तो जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जो तेल लगता है पेट्रोल, वो भाई गलती से जल गया। तो अब ये भी कहीं ना कहीं भाई मतलब क्या बताऊँ मैं, पेट्रोल भी नहीं है अभी और लाइट भी जा चुकी है, एंड गाइस लाइट एक एक महीना नहीं आती है। तो ऐसे में अगर एक महीना स्टिल मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ, तो आपको पता है भाई कहीं ना कहीं ऑडियंस साथ छोड़ देती है। बट फिर भी मैं स्टिल कोशिश करूँगा यहाँ पे सर्वाइव करने की, आप तक डेली वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे हम सर्दियों के दिनों में जीते हैं, कैसे सारा काम होता है। फिलहाल अभी मैं कोई स्नो बूट पहन के नहीं आया, और मेरे पैर जो है लगभग अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, एंड स्नो कभी गिर रही है थोड़ी देर के लिए बंद हो रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्नो गिरना थोड़ी बंद सी हो चुकी है, और ये मेरा घर है भाई सामने, थैंक्स जो आपने 3 मिलियन लोगों ने देखा,
और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बादल भी थोड़े थोड़े हट रहे हैं, और मतलब क्या ही ना दोस्तों, अल्टीमेट व्यू हो जाता है। और वैसे तो बादल अभी तक पड़े ही हुए हैं, और बात करूँ भाई यहाँ पे तो आप देख सकते हैं झाड़ियों के ऊपर रास्ते तक जो है वो स्नो जम चुकी है, और कोई अभी ज़्यादा नहीं है, लगभग एक फिट को बोल सकते हैं इसको, आधा फिट भी नहीं है, लगभग आधा फिट के तकरीबन इतनी स्नोफॉल होगी। मतलब आप इस चीज़ को देख के हिसाब लगा सकते हैं कि स्नोफॉल कितनी है, कुछ इस तरह से। एंड अभी जैसे तेल लाने के लिए जाना हो तो आप इस चीज़ को देख के ही समझ सकते हैं कि भाई तेल को ला पाना कितना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से भी अगर मुझे जाना होगा तो सबसे पहले मुझे ये जो स्नो है ये पूरी मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी। देखो आगे रास्ता तभी चल पाएगा, इसको मैं हटा लेता हूँ अच्छे से। अरे भाई देखो स्नो के अंदर, सॉरी ग्लव्स के अंदर चली गई स्नो। ब्रोनी आजा आजा आजा, ब्रोनी भाई वहाँ पे बैठ रखा है, तो मैं जूम करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है वो स्नोफॉल को देखने के लिए। और अभी जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो ब्रोनी जस्ट वहाँ से भी भाग लिया। बाकी शिवानी मैडम स्टिल अपना ब्लॉग कर रही हैं, वैसे तो अभी तो काफ़ी खुश है जब तक लाइट है, मतलब आप देखते हैं कि बिना लाइट के शिवानी कैसे सरवाइव करेंगे। हाँ जी हेलो, सो स्टिल ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कर रहे हैं दोनों, देख लो। मुझे ये बताओ सबसे पहले ब्लॉग किसका जाएगा, मेरा या तुम्हारा? चलो ठीक है, जिसने डाल दिया पहले उसका। चलो ठीक है, पहले तुम डाल लो फिर मैं डाल लूंगा, ठीक है पक्का? श्योर, क्या मतलब वारंटी ले रहे हो कैमरा के सामने है ना? चलो ठीक है। एंड स्पेशल थैंक्स किए ग्लव्स मुझे देने के लिए, क्योंकि भाई नीचे का मतलब ये जो माउंट ट्राइपॉड होता है ना, ये मतलब क्या ही बोले, मतलब जब लास्ट वाला ये ट्राइपॉड है ना, ये कहीं ना कहीं ठंडा होता है पूरा। और हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोलो नहाने वाले हो आज तुम? तुम नहाने वाले हो क्या? मैं तो नहाऊंगी। शिवानी पिछले 2-3 दिन से नहीं नहाई है, सही बता देता हूँ। और ये 2-3 हफ्तों से नहीं, ऐसा 2-3 हफ्तों से ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। देखो मैं तो पहाड़ी हूँ, मैं ठंडे इलाके में रहता हूँ, मुझे पता है कि गाइस यहाँ पे कैसे नहाना पड़ता है, मैं नहा लेता हूँ, बट ये स्टिल 2-3 दिन से नहीं नहाई है, और आज भी स्नोफॉल हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि शिवानी नहाओगे तुम? जी मैं नहा लूंगी, तुम अपनी टेंशन करो। मैं नहाता ही नहाता हूँ, ठीक है। तो बाकी गाइस अभी जैसे मैं घर की तरफ चल रहा हूँ, और बस ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, स्नोफॉल में कैसे काम करते हैं, कितना टाइम लगता है रोड वोड हो सब चीज़ें क्लियर होने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, कुछ फ़ोटोशूट किया है भाई, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।